हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और आज आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे चैनल मोनिका एंड चौधरी ब्लॉग में। और आपके लिए आज हम लाए हैं तरबूज। तो भाई हम खाते हैं, काटते हैं तरबूज और मिलते हैं आपसे। आज के दिन की शुरुआत करते हैं। और भाई आई होप आप सबका दिन बहुत अच्छा हो। मॉर्निंग तो हमारी बहुत अच्छी है, अब आगे आगे देखते हैं होता है क्या। तो भाई बात करें, बताइए कैसे हो आप, क्या कर रहे हो। मैंने तो ले दे के आज फिर से घिया बना दी है। तो भी जब सीज़न ही यही है तो हम क्या कर सकते हैं। घिया तोरी टिंडे, घिया तोरी टिंडे, यही बनेगा और तो कुछ बनेगा नहीं। तो अभी हम कट करते हैं तरबूज। काट के मैं इसको रख दूँगी, जिसको जब जब खाना होगा वो खा लेगा और हम तो अभी अभी खा लेंगे। आज का ब्रेकफास्ट ही तरबूज है हमारा। तो जी आज बनाएंगे देसी स्टाइल में चटनी, हरी चटनी। देसी स्टाइल में क्या, सभी बनाते होंगे अपने अपने स्टाइल में, पर मेरा स्टाइल देसी है। तो वीडियो मैंने ऑन कर दी थी और जगह मैंने बनाई नहीं। तो चलो भाई बर्तन पहले नीचे डालते हैं और क्या कहते हैं, शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। टमाटर मैंने भून लिए थे, टमाटर ले लो आप अपनी पुदीना धनिया के हिसाब से, दो तीन जितने भी लेने हैं। मैंने उनको गैस पे वो कर लिया था, भून लिया था, यू नो, ये देखो ये भून लिया था। और अब क्या कहते हैं, ये इनका छिलका उतार लूँगी मैं। इससे क्या होता है, भूनने से इनका छिलका ईजिली उतर जाता है भाई, मुझे नहीं पता क्यों, पर इस मेथड से चटनी बनती बहुत टेस्टी है। और उसके मैंने दो टमाटर लिए थे। उसके बाद बहुत सारा वो डालना है इसमें, लहसुन भाई डाल दो भाई, टेस्ट आना चाहिए लहसुन का, डाल देना खूब सारा। और उसके बाद हरी मिर्च का नंबर आएगा, टमाटर लहसुन और हरी मिर्च। हरी मिर्च 8, 5, 10, जिस हिसाब से आप लोगों का टेस्ट हो उस हिसाब से डाल देना। मैंने तो मुट्ठी भर के ले लिया, मुझे नहीं पता ये कितनी है, पर डालूंगी, बहुत सारी डाल दूंगी, क्योंकि फिर मुझे इसमें अलग से लाल मिर्च डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका टेस्ट, इसकी खुशबू अलग ही आती है, बहुत अलग आती है। तो चटनी भाई बढ़िया तीखी बनानी हो तो फिर ये सब तो करना पड़ेगा। और खूब सारी डालो, डाल दो एक पूरा मुट्ठा भर के। हाँ देसी तो फिर यही बनेगी, आर्टिफिशियल आइटम कोई नहीं डालनी। और एक चीज़ मैं इसमें डालती हूँ, कुछ लोग डालते भी होंगे, पहले ये हरी मिर्चें तो डाल लूँ काट काट के। हाँ साइड हो जाओ भाई, चलो ये डाला मैंने नमक, ठीक है ठीक है। और फिर जीरा, यस थोड़ा सा जीरा ज़रूर डालूँगी, ये मैं डालती हूँ इसमें, इसमें अच्छा टेस्ट आता है। ये मैंने ऐसे ही डाल दी, आदत है ना कुछ कुछ डालते रहने की मसालदानी में से, इसलिए मैंने ये डालती नीड नहीं थी इसकी। तो चलो यस, ये बन के तैयार होगी मेरी हरी हरी चटनी। इसकी तो खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी कि पूछो मत। तो लीजिए टेस्ट कीजिए हरी चटनी। तो भाई मैं एक नई ट्रिक बताती हूँ लाइनर लगाने की। अब लाइनर क्या होता है, एक आंख पे तो ठीक से लग जाता है, दूसरी पे लगता नहीं है। तो मैंने कहीं देखी थी, मैं सोच रही हूँ आपको भी बता दूँ। ये है कॉम, और ठीक है चाहो तो ऐसे ही लगा लो डिजाइनर। ये भी अच्छा लग रहा है यार, बहुत बढ़िया लग रही है ये तो। अच्छा आप इसी को ना, इसी को दोबारा लगाना है तो दोबारा लगा लो। इस लाइन पे
ठीक है। और जब मुझे कुछ करके दिखाना होता है ना तो यही कांड होते हैं, क्योंकि मेरी हुडी डाइज हैं तो मैं ज़्यादा मोटा आईलाइनर लगाती नहीं हूँ, मैं इधर मिरर में देख के करती हूँ। कैसा लग रहा है? बढ़िया, इस पे भी ट्राई करते हैं। मोबाइल में देख के ना लगाया नहीं जा रहा। और मेरे साथ हमेशा ये होता है कि इसमें अलग लगेगा, इसमें अलग लगेगा। मुझे अभी भी ये वाला मोटा लग रहा है और मुझे ये वाला मोटा करना पड़ेगा, अदरवाइज ये बहुत अच्छा लगा होगा ये वाला। पर ये आइडिया इतना कमाल का है, मिनटों में लाइनर लग गया है, अदरवाइज से काफ़ी सोच सोच के लगाना पड़ता है। तो मेरा ये कॉम वाला आइडिया कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। तो भी ऐसा है, मुझे कहीं जाना पड़ गया था, वहाँ की वीडियो तो मैं बना नहीं पाई, लेकिन जो मैं त्यार शार हुई थी वो वाली वीडियो मैंने बना ली है, वो मैं जरूर इसमें डाल दूंगी, ऐड ऑन कर दूंगी। तो आज का दिन मेरा ऐसे ही बीता। और क्या कहते हैं, अब मैं खा रही हूँ तरबूज, वैसे तो खाना नहीं चाहिए पर क्या करूँ, ये काट के रखा हुआ है सुबह से, इसको खत्म करना है मुझे तो, पर मुझे अच्छा भी बहुत लगता है। थैंक यू सो मच मेरे 150 सब्सक्राइबर कराने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बालों को ठीक कर लूँ, और बहुत 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 थैंक यू। इतनी खुशी होती है ना जब सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, मुझे नहीं पता था इतनी खुशी होती है। एक 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 नंबर मुझे याद रहता है कि अब इतने बढ़ गए, अब इतने बढ़ गए, अब इतने बढ़ गए। तो बहुत बड़ा थैंक यू है भाई आज तो, और ऐसे ही बढ़ते रहे मेरे सब्सक्राइबर, और मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस बनाती रहूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आज का वीडियो तो स्पेशल थैंक यू के लिए ही है कि जी जो लोग भी हो, आप जो कोई हो, किसी के भी थ्रू आए हो मुझ तक, तो आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। और कल तो मेरी पप्पा सांगवान बोल जी से बात भी हुई थी, वो मुझे अचानक से इंस्टाग्राम पे मिल गई थी, बड़ा मजा आया, बड़ा मजा आया जिंदा दिल बिंदास लेडी है, उनको देख के बहुत से लोग सीखते भी हैं, हम भी उनको देख के सीख रहे हैं।
तो जी बहुत बहुत थैंक यू। आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं हम एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ, एक नई सुबह के साथ। यस, तो आज मैंने आपको वो लाइनर लगाना सिखाया था ना, अभी शाम को मैंने उतारा है सारा, बहुत सुंदर लाइनर लगा था, वो क्लासिक था वो एकदम, इतना अच्छा तो कभी मेरे से ज़िंदगी में लगा ही नहीं। तो चलो ट्राई ज़रूर करना और मुझे बताना कि क्या वो ट्रिक अच्छी है या नहीं है, ये आपके काम की भी है कि नहीं है, ट्राई करना, बताना मुझे ज़रूर। गुड नाइट।